दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब अगले इशू बारे तुसी की कहना चाहोगे? कुछ फेसबुक मैसेजेस ने जी एस मल्ली लिखते ने, डॉक्टर साहब प्लीज पुट सम लाइट ऑन टुडेज सिख सियासत, व्हाट इज हैपनिंग ऑन सरबत खालसा इशू, गुरबख्श सिंह दी माफी दी बेनती, लो जी खिंच लो तैयारियां, मार्केट विच जल्दी वापसी दी उम्मीद है, की कहना चाहोगे? असी पहला ही कह चुके हैं भी असी ऑलरेडी इस दे उत्ते खास तौर पर सरबत खालसा मूव और पैरल मीटिंग्स जिथे बोलना हारी है तिथे चंगी चुप, बाकी गुरबख्श सिंह उन्होंने भी पता लग जाएगा की है, पर ठीक ही कह रहे हैं कि मार्केट जल्दी वापसी की उम्मीद। सतपाल सिंह परिवार लिखते हैं, डॉक्टर साहब आप जी ने आप जी सारी टीम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, बहुत धन्यवाद भाई साहब। वीर कुलजीत सिंह भी कैनेडियन पंजाबी नैटवर्क टीम वालों फतेह भेजते हैं। कुलजीत सिंह टीवी 84 जिंदाबाद, हसन भट्टी राणा सानू जिंदाबाद कहते हैं पर रब का नाँ दी जिंदाबाद। जी एस मल्ली फिर फतेह कहते हैं। महबूब हुसैन जमील जीवे खालिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे खालिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान। जोगा सिंह पंगू, डॉक्टर साहब आज नू परमात्मा हमेशा चढ़ती कला च रखे, बहुत शुक्रिया पंगू साहब, तुहानू भी सतगुरु चढ़ती कला देण। बादशाह सिंह खालिस्तान जिंदाबाद, जुझारवर खालिस्तान जिंदाबाद, अहमद शमीन बन के रहेगा खालिस्तान, टुट के रहेगा हिंदुस्तान, कहते राइम करना। फिर कश्मीर विरक अनीस सफी, सुखविंदर विरक खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। सुखजिंदर सिंह लिखते ने, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर साहब इट्स नॉट जस्ट द रॉ ओनली बट द सल्यूट्स ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस are also actually operative on the actively operative on the Afghan Pakistan border and training are actively operative on the Afghan Pakistan border and training the local Afghans for infiltration and sabotage activity. Bilkul theek keh rahe hain, hun ta ek darjan to zyada एजेंसियां इनवॉल्व ने। फिर इन्होंने बलबीर बलहार सिंह कंग ड्रॉ कर ले, ये लिखते हैं टीवी 84 की सारी टीम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर साहब जी एक नशा है जो साडे वीर पैणा बाहर करते हैं, नशा वो है जो साडे घर विच भी है, टीवी सीरियल आंदा जो साडे परिवारां विच परोसिया जा रहा है, जो सानू सिक्खी तो बहुत दूर कर रहा है, तो साडे परिवारां दी मजबूरी बन गया है। संत मस्कीन जी कहते सन कि अगर साफ पानी ना मिले तो इंसान खराब पानी पीने लिए मजबूर हो जाता है। पंजाब विच एक भी चैनल नहीं जो गुरु नानक नाल जो गुरु नाल जोड़ सकता है, वाहिगुरु मेहर करे जी। बिल्कुल ठीक फरमाया और असी समझते हैं भी वाकई ये एक नशा है और ये जड़ा कल्चरल ऑनसलॉट है हिंदुत्ववाद का थ्रू मीडिया और ये सारे चैनल और ये ड्रामे और दूसरे, इहदा इक्को इक हल है कि भी तुसीं अपने जिहड़े कुछ करन वाले ने कर रहे ने उन्हां नूं मजबूत करो ताकि साडे अपने टीम ने टीवी 84 दे थले, पर हालत इह है भी जिन्ना कि असीं थोड़ा बहुत लै के चले हैं इहनूं सस्टेन करना औखा हो रहा है फाइनैंशियली। अदरवाइज़ जे साडे कोल कदे गुरु ने उह विध बणाई साडे दर्शकां श्रोतियां नूं लगा कि भी ये जरूरी है साधन क्रिएट करने ने, ते असीं अपने सीरियल बना सकदे किन्ने साडे हिस्टरी दे नायक ने बीते दे अज दे किन्ना इतिहास है। पाकिस्तान 174 दे करीब गुरुद्वारे ने सारा इतिहास उत्थे पिया होया है जिन्हां दे उत्ते तुसीं कल्ला कल्ला सीरियल जिहड़ा है सालां बदी रन कर सकदे हो। डॉक्टर साहब नाले केसरी पेंडा जल्दी मूवी दिखावांगे। हाँ असीं इक जिहड़ी ब्रीफ मूवी केसरी पेंडा कुछ साल पहलां बनी सी उसके उत्ते काम हो रहा वो असी जरूर दिखावांगे, पर असी ये जरूर आस करते हैं कि भी साड़ी फाइनैशियल, मैं हुण बार बार कहिंदा चंगा भी नहीं लगता, हालांकि साड़े दूसरे जिहड़े मैनेजिंग टीम है वो मैनूं कहिंदे ने जी तुसीं कहिंदे नहीं, एडमायरर तुहाडे बड़े ने, पैसे कोई दिंदा नहीं। तो मेरा हुंदा मैं कहा जी हुण आप ही उन्होंने होना चाहिए है जी। सो ये बिल्कुल इन्होंने ठीक है और अज की लड़ाई मीडिया च लड़ी जाती है, सानू जे असी मीडिया च चैलेंज करना है तो फिर हुण किन्नी देर शिकायत करांगे जी उन्होंने ओ दिखाता फलानी फिल्म च सिख दा ये रोल कर दिता है फलाना ना ये रख दिता। इहदा इक्को ही जवाब है कि अपना असी मीडिया अपनियां फिल्मां अपने ड्रामे अपना सिस्टम, सो जिहड़े इस फील्ड च काम करदे ने असी उन्हां नूं हमेशा उत्साहित करदे हां। तो इहनां दा भाई साहब दा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब देखो अजकल फरवरी च चोणां होणियां ने,
पंजाब दे विच एक है तो एक्सप्रैशन थोड़ी जनरल है, कई बार होगा जी उन्हों का की है, वह कहें की है, वह तो सब नूं ही मुंडे दिंदा है। हुण इह हुंदा है कि भी तुसीं किसे ते चला जाओ, किसे बाबे कोल, दूजे कोल, जिहड़े भी बच्चे बच्ची की आस करते हैं, उन्हें मुंडे ही देने ने। उन्हें कहना जी होएगा, 50% तो होने ही होंगे ने, कुदरत ने करने होंगे, बाबे की बल्ले बल्ले ना होया तो रब का भाणा जी, साडे किस्मत ही नहीं है ना। तो इस किस्म का अजकल क्योंकि चोणा नेड़े ने और वड्डी कॉन्स्टिट्यूएंसी किसानां दी है, उन्हां नूं भी सारे लगे हुए ने, अकालियां दा मैनीफेस्टो देख लो, आम आदमी पार्टी ने भी किसानां नूं हैवन दिखाता स्वर्ग कि जी तुहाडे सब करजे माफ, तुहाडे फलाना ढिमका बिल्कुल होएगा। कांग्रेस भी जिहड़ी है अमरिंदर सिंह दा तुसीं देखो ऐसियां टारां मारदा, हुण उन्हां नूं ये लग्या भी ये चलो किसान तो नहीं पर जिहड़े 18% ट्रेडर हिंदू कम्यूनिटी जिहड़ी पंजाब 18-19% है, 50% बने होंदे ने कई वारी बाणीए आड़तीए। हुण तुसीं देखोगे भी इन्हां नूं रिझाण च लो, बादल तो पहले ही इन्हां दा है, वह तो है ही इन्हां दा आड़तीआं दा मुंडा है, वह तो इन्हां नूं ही खुश कर दे हुण। और इहदे ते अज ईवन ट्रिब्यून का भी एडिटोरियल है, पर मैं नाल दी नाल देख रहा सी कि आम आदमी पार्टी का हुण केजरीवाल आ रहा पंजाब, सिर्फ आड़तीआं ते बाणीआं नूं मिलण, पहलां बाघा पुराणा च बड़ा वड्डा किसानां दा इकट्ठ कीता और वह कुछ प्रोमिस किया तुहाडे करजे माफ कर देंगे। अज अच्छा एक एडिटोरियल है प्लेइंग डेट पॉलिटिक्स, कि तुसीं करजे की जिहड़ी सियासत किसानां नाल कर रहे हो, फार्मर्स बींग लैड अप द गार्डन पाथ, उन्होंने तुसीं सबज़ बाग दिखा रहे हो, सबज़ हरे नूं कहिंदे ने, विचार च फिर हरा हरा है। द कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी स्टिल सीम टू बिलीव दैट दे कैन विन ओवर फार्मर्स इन पंजाब ऑन द प्रोमिस ऑफ ए डेट वेव, वो समझते हैं ये दोनों का कंपीटिशन है, किसानों नूं कह रहे हैं कि जी असीं तुहाडा कर्जा माफ कर देंगे। Making use of agrarian distress for votes has been an old, overused practice, but now political parties are stretching things to unreasonable, even ludicrous levels. के हासोहीणी हद तक और बिल्कुल जिहड़े तर्क संगत नहीं है उत्थों तक खिंच रहे हैं। When in 2014 उन्होंने किया, फिर बीजेपी ने प्रोमिस किया सी कि असी स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट जारी करांगे, उन्हों मन्नांगे जिहदे च 50% प्रॉफिट जिन्नी इनपुट है किसान दी, तो उन्होंने 50% उपर मिलेगा। आ मोदी ने तुहानू 50% प्रॉफिट दिता है तुहाडी इनपुट तो बियॉन्ड, पर उन्हें क्या फार्मर्स हैव टेकन लो। हुण इहदे च उन्हें जिहड़ी एक गल कही है भी तीन कैटागरीज ने जिहड़े पंजाब दे किसान ने, तिन्नां तो उन्होंने लोन ले ने, उन्होंने कित्थों ने, फार्मर्स हैव टेकन लोन्स फ्रॉम नैशनल बैंक्स, रूरल और कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आड़तीएस। एक नैशनल बैंक ने जिहड़े दिल्ली कंट्रोल करदे हो कि नैशनलाइज कीते होए ने, कोऑपरेटिव बैंक ने ते आड़तीए ने। देयर इज नो क्रेडिबल एविडेंस बेस्ड नंबर ऑफ फार्मर्स अंडर डेट, कोई नंबर ही नहीं है कोई किन्ना थ्रो करदा कोई किन्ना थ्रो करदा। ए स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो पावर ओवर नैशनल बैंक, जदों कहिंदे जी करजा माफ कर देंगे, नैशनल बैंक सेंटर दे कोल ने, स्टेट गवर्नमेंट कोई पावर नहीं है। एट बेस्ट इट कैन टेक अप द रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ रीपेइंग फार्मर लोन्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम ए लोन वेवर एंड विच मीन्स ए स्टेट बेल आउट फॉर बैटर ऑफ फार्मर्स बिकॉज ओनली दे हैव एक्सेस टू बैंकिंग। उनका इको तरीका है कि स्टेट कह जी असी पे करांगे, वो पहले ही बैंकरप्ट है स्टेट, और जिहड़ी वड्डे फार्मर ने वो उन्हां नूं ही फायदा होएगा जे कदे स्टेट में करे भी, जिहदी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। केसिस ऑफ बैंक्स ऑक्शनिंग फार्मर्स लैंड टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज आर रेयर, कि बहुत घट केस ने कि बैंकों ने जाके, क्योंकि जो बैंक लोन देंगे ने तुहाडी जमीन पलैज हो जाती है, पर कोई ऐसी उदाहरण नहीं है, बड़ी रेयर होएगी कि बैंक ने जाके कोई जमीन जिहड़ी है वो नीलाम की होए। स्मॉल फार्मर्स रिलाई ऑन एक्सप्लोइटेटिव आड़तीएस फॉर देर एमरजेंसी फाइनैशियल नीड, जिहड़ा किसान है वो आड़तीए कोल जांदा है अपनी एमरजेंसी नीड दे विच। इट इज़ दिस पोलिटिकली वैल कनैक्टिड सैक्शन दैट ह्यूमीलेट्स फार्मरस, हूँ आड़तीए जड़े ने, हूँ तो कुछ सिख भी आ गए उन्होंने भी माड़े ने बाणियों नालों भी, जोड़े आड़तीए ने वो सब तो वर्स्ट, जो कोई किसान ह्यूमीलेट करता है ये आड़तीए होंगे ने जी, असी आके जमीन पर कब्जा करना है, पर उन्होंने प्राइड जोड़ा वो हर्ट होंगे। ह्यूमीलेट्स फार्मरस ऑफ्टन विद पुलिस कंपलिसिटी एंड फोर्सिबली टेक्स ओवर द लैंड ऑफ द डिफॉल्टर्स, आड़तीए ने जोड़े जबरदस्ती जमीन के उत्ते कंट्रोल या कब्जा कर रहे हैं वो नहीं। हाउ कैन द स्टेट वेव लोन्स टेकन फ्रॉम आड़तीएस वैन देयर आर नो लीगली वैलिड रैकर्ड्स ऑफ बोरोइंग, हूँ आड़तीए का ने अंगूठा लवाया वह कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है क्योंकि सूद उन्होंने
ਕਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 4,000 ਸਾਲ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਟੋਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਹੈ ਵਿਲ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੈਲੀ ਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਯੇ ਵੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਹਿਸ 3-ਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਔਨ ਅਕਤੂਬਰ 23rd ਬਾਈ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਲੋਗ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਐਂਡ AAP ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੰਗ ਹੈਡ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸੈਡ ਐਂਟਾਈ ਟ੍ਰੇਡਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਫ SAD BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਡ ਫੋਰਸਡ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਟੂ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਇੰਸਟਲ ਫੇਥ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਇਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋ ਟ੍ਰੇਡਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ BJP ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ BJP ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੀ ਐਂਟਾਈ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਓਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੂੰ ਬਣੀਆਂ ਹੂੰ ਆਪ ਮੇ ਸੇ ਹੂੰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਬਿਸਾਈਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਲ ਮੀਟ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਕਤੂਬਰ 23rd ਫਿਰ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੰਧੂ ਸੈਡ ਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਡਾਇਲੋਗਸ ਵਾਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਿਦ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਸ਼ੈਲਰ ਓਨਰਸ ਰੀਐਲਟਰਸ ਹੋਟਲੀਅਰਸ ਔਰ ਦ ਕਮੇਟੀ ਗੌਡ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆੜਤੀਏ ਹੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਰੀਐਲਟਰ ਸ਼ੈਲਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵਿਲ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਰਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਹੰਟ ਵਿਦ ਦਾ ਹਾਊਂਡ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ